चैनल में खुश आमदीद, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उस रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं जहां फैसलाबाद से वजीराबाद की तरफ ट्रेन चलती थी और नॉन स्टॉप भी चलती थी और पैसेंजर ट्रेनें भी यहां सफ़र करती थी। तो दोस्तों, ये बहुत पुराना ट्रैक है। ये ट्रैक ब्रिटिश के दौर में बिछाया गया, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्से में, बल्कि हम कह सकते हैं कि बरेसगीर के हिस्से में मुख्तलिफ जगह पर ट्रैक जो है वो बिछाए गए, जिनमें वजीराबाद से बरास्ता फैसलाबाद ये ट्रैक जो है वो बहुत मेन था। तो ये पीपी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, ये ट्रेनें जो थी वो बहुत ज़्यादा हद तक बंद कर दी गई, जिसकी वजह से आज ये ट्रैक जो है ये सुनसान है। इसके अंदर बहुत सारी आप देखें कि एक ट्रैक वो है जिसमें स्पेयर ट्रैक था, जिसमें अजाफी जो है वो ट्रेन खड़ी की जाती थी। इसके साथ ही एक और ट्रैक है जिसमें रेलवे स्टेशन पर जो है वो ट्रेन जाती थी। इसके पास ही तकरीबन हाफ किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मड बलोचा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हाफजाबाद, वजीराबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ट्रेन का सफ़र किया जाता था। तो दोस्तों, आपको हम थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं इसकी, इस ट्रैक की। इस ट्रैक के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनें चलती थी जिसके अंदर पैसेंजर थी, शाहीन थी और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं यहाँ सफ़र करती, जिसमें हज़ारों लोग एक दिन के अंदर सफ़र करते थे। तो आपको थोड़ी सी रेलवे की इंफॉर्मेशन के मतलब भी बताएंगे और आपको ये भी बताते हैं कि इस रेलवे के ट्रैक को बंद हुए कितनी देर हो गई है और ट्रेनें बंद होने से हमारी जो है वो कितना लॉस हुआ है मुल्क को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो सिग्नल जो रेलवे स्टेशन से सिग्नल खींचा जाता है और यहाँ पे ट्रेन को आने का इशारा मिलता है। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 15 साल पहले ये मतलब कि सोलर पे नहीं था, ये इसके अंदर एक लालटेन जलाई जाती थी जो रेड और ब्लू इशारा करती थी। रेड का मतलब था कि ट्रेन को ब्रेक लगा दी जाए, ट्रेन जो है वो स्टेशन पर ना पहुँचे, और इससे पहले कि ब्लू जो है वो ये सिग्नल देती थी कि ट्रेन जो है वो आने दें। तो दोस्तों, ये सिग्नल नीचे हो जाता था जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच जाती थी। ये सारा सिस्टम ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, ये बड़ा एक मजबूत सिस्टम था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको प्रमोट नहीं किया, इतना ज़्यादा बेहतर नहीं किया। मुख्तलिफ मुल्कों से हमने बोगियाँ वगैरह या इंजन वगैरह तो मंगवाए, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छी बेहतर जो है वो शक्ल ना दी गई, और बहुत सारी हुकूमतों ने ये जो ट्रेनें थी इसको हड़प कर गए और खा गए। तो आप देखें कि ये पटरी की तरफ देखते हैं कि पटरी जो है वो कितने मजबूत तरीके से बनाई गई है। ये मुख्तलिफ पीसेस में थी, इसके अंदर रबतें जो है वो लगाई गई थी जिसकी वजह से ट्रेन सर्दियों और गर्मियों में इसमें लचक हुआ करती थी। और इसके बाद अब इस दौर के अंदर जहाँ प्रॉपर ट्रेनें चल रही हैं, इसको उन्होंने जोड़ लगा के आपस में अटैच कर दिया, जोड़ दिया है। तो इसकी बदहाली का अगर आप अंदाज़ा करें तो आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हाल हुआ है इस ट्रैक का। एक्स्ट्रा डब्बे होते थे, एक्स्ट्रा बोगियाँ होती थी जो इस ट्रैक के ऊपर जो है वो रोक दी जाती थी, चाहे एक महीने के लिए, दो महीने के लिए। तो आज आप देखें ये मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, यहाँ कोई किसी किस्म का जो है वो बेहतरी नहीं है, बल्कि तबाह हो गया है। इसको आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये सारा टूट फूट का शिकार है और अब इस पर कोई जो है वो बोगी नहीं रोकी जा सकती। तो दोस्तों, ये था आज की सूरत हाल सारी। ये देखिए सारा जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो एक वराना और जंगल की शेप जो है वो नज़र आ रही है हमें। तो दोस्तों, अगर आइंदा दिनों में अगर रेलवे को बहाल कर दिया जाए, चला दिया जाए, तो हमारा मीलों का सफ़र जो है वो आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से मोटरवे या हाईवे के साथ साथ इसको भी हमें जो है वो फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी देखे ताकि हमारा सफ़र जो है वो आसान से आसान हो और सस्ता हो। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।